नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पूर्ण व्रत की अध्यापन विधि। पूर्ण व्रत का अध्यापन, जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तब ही आपने व्रत का अध्यापन करना होता है। अगर आपने 11 व्रत का संकल्प लिया है तो आप 11 व्रत पूर्ण करने के बाद 12वें व्रत पर अध्यापन करें। अगर आपने 32 व्रत करने का संकल्प लिया है तो आप 32 व्रत करने के बाद 33 व्रत में अध्यापन कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत का अध्यापन करने वाले को सूर्योदय से पहले उठकर तारों की शाम में त्रिवेणी या किसी पवित्र नदी में स्नान वस्त्र करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र दान करने चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर में स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें तो आपको पवित्र नदी में स्नान करने जैसा फल मिलेगा। इसके बाद आप सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लें, उसको अच्छी प्रकार से गंगा जल से शुद्ध कर लें और उसके बाद उस ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर आप कलश स्थापित करें। कलश स्थापित आपने कलश के नीचे चावल की डेरी लगाएं और जहाँ अष्टदल कमल बनाएं उस पर आप कलश स्थापित करें और भगवान गणेश और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति भी स्थापित करें। भगवान गणेश और सत्यनारायण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के लिए आप फूलों का आसन लगाएं। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत से स्नान करें और सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद भगवान सत्यनारायण जी को पीले फूलों का हार पहनाएं और उन्हें 5 फल, 5 मेवा, नैवेद्य, पीला वस्त्र और तुलसी दल विशेष रूप से अर्पित करें। भगवान सत्यनारायण जी के समक्ष घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें या सुने। कथा समाप्त के बाद, कथा के बाद आप भगवान सत्यनारायण जी के समक्ष घी के दीपक से आरती उतारें और उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। भगवान सत्यनारायण जी की पूजा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा विधिवत करें। इसके बाद आप हवन करें। हवन में चावल, गुगल और हवन सामग्री अवश्य अर्पित करें या फिर जो आपने घर में भोग बनाकर रखा हुआ है उसे अर्पित करें और लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। जब आपका हवन संपन्न हो जाए तो आपको 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना है, उन्हें 5 वस्त्र देने हैं। अगर आप 5 वस्त्र नहीं दे सकते तो आप 2 वस्त्र अवश्य दें। एक वस्त्र आप भूल कर भी ना दें। एक वस्त्र अशुभ समय में दिया जाता है, ऐसी गलती आप ना करें। यदि आप 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप एक ब्राह्मण को बुलाकर भी भोजन करवा कर दक्षिणा देकर विदा करें। दक्षिणा आप 11 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक दे सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप अवश्य करें। अगर आप घर बुलाकर भी भोजन नहीं करा सकते तो आप सूखा सीधा मंदिर में भी दे सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय का भोजन कराए बिना आपका अध्यापन पूर्ण नहीं हो सकता। अध्यापन की सभी विधि संपन्न करने के बाद हरि कीर्तन करें। यदि संभव हो तो रात को हरि कीर्तन आप को अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आप 5 सफेद चीजें दान अवश्य करें, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, खीर। इनका दान देने से चंद्रमा शुभ फल देता है। इन चीजों का दान आप अवश्य करें। आज के दिन आप गेहूं, बाजरा, चने की दाल के अलावा गर्म कपड़े भी दे सकते हैं, जैसे कंबल, कोटी, स्वेटर, सोना, चांदी आप दान कर सकते हैं। आज के दिन ये 3 काम भी आप अवश्य करें। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो 3 माध्यमों से ही हम उनको भोग पहुंचा सकते हैं। अग्नि के मुख से, दान के द्वारा या फिर ब्राह्मण के मुख से। ब्राह्मण को विदा करने के बाद जो भोग प्रसाद आपने बनवाया हुआ है उसे घर परिवार में बांट सकते हैं और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया हुआ है तो 33 पूर्णिमा पर आपने अध्यापन किया है तो आप दिन में भोजन 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा पर ही अध्यापन किया है तो आप अगले दिन पारण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।